शिवसेना बाल ठाकरे की अमृतसर इकाई की एक अहम बैठक पंकज दवेसर की अगुवाई में छहरटा इलाके में की गई, जिसमें पार्टी के पंजाब प्रधान योगराज शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने बैठक में मौजूद सभी लोगों को शिवसेना की नीतियों के बारे में बताया। इस दौरान प्रधान योगराज शर्मा ने कहा कि शिवसेना का मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलना है, बिना किसी भेदभाव के लोगों को अपने साथ जोड़ना है। इस मौके पर योगराज शर्मा ने नई कमेटी का भी गठन किया, जिसमें अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई। शिवसेना की नीतियों तो खुश हो गया, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं नाल जिहड़े अज शिवसेना च शामिल होया, उन्होंने पंजाब का शिवसेना का संगठन मंत्री पद जिहड़ा आपां दित्ता, उन्होंने काफ़ी अच्छे नौजवान अज जुड़े जिहदे विच 15-16 वार्ड प्रमुख और कोई कई लोग जिहड़े प्रदेश दे विच प्रेस सचिव के काम वास्ते अगे आए ने, उन्होंने आपां उस पद ते विराजमान किया। और पंकज जी कोलों आपां आस भी करते हैं, संगठन भी आस करता कि पंकज जी खास करके अमृतसर की जिहड़ी शिवसेना उन्होंने चार चांद लाणगे। ऐसा नौजवान जिन काफ़ी स्ट्रगल भी की है, काफ़ी मेहनत की है संगठन वास्ते, अज पंकज जी के माध्यम नाल आपां पूरे पंजाब दे विच संगठन का नए सिरे तो पुनर्गठन करने जा रहे हैं। मेरा नाम जी पंकज दवेसरा जी, ठीक है जी। मैं बहुत शिद्दत नाल काम किया, बहुत मेहनत की, पर मैं शिवसेना जी की जिहड़ी नीति है ना बहुत वधिया लगी है। शिवसेना आ रहे हैं नाल मेरे 20 वार्ड प्रधान, जिला प्रेस के बंदे हर जिले के विचों नाल शिवसेना ज्वाइन कर रहे जी योगराज जी के निर्देश अनुसार।